नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़ में मुजाहिद भारती आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की ओर। आज अल्पप्रवास पर गुना आए गुना क्षेत्रीय सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं छिंदवाड़ा सांसद कमलनाथ ने पत्रकारों के साथ चर्चा के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कई प्रकार के आरोप लगाए। सांसद सिंधिया ने यहां कहा कि कल रात से ही मुझे सूचना आ रही है कि मतदाताओं को धमकियां दी जा रही हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं, प्रजातंत्र को नष्ट करने का काम जहां एक ओर केंद्र सरकार कर रही है वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि इस भ्रष्ट सरकार को बर्खास्त करने का मन प्रदेश की जनता बना चुकी है, जिसका निर्णय 24 तारीख को कोलार असवा मुंगावली के उपचुनाव के दौरान दिख जाएगा। नेता जो है कैबिनेट मिनिस्टर वो भी लगातार मंच से कहने के दबाव बना रहे हैं जनता पर इनडायरेक्टली। देखो, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली भी बन रहा है। धमकियां दी जा रही हैं, प्रलोभन दिया जा रहा है, कल रात से मुझे सूचना आ रही है किस तरीके से वाहन के आधार पर पैसे बांटे जा रहे हैं। एक वाहन तो पकड़ा गया 12 लाख के साथ कोलारस में, ये सब चल रहा है। साम दाम दंड भेद, प्रजातंत्र को नष्ट करने का काम जहां एक तरफ केंद्र सरकार कर रही है वहां मध्य प्रदेश में राज्य सरकार भी कर रही है। पर ये प्रजातंत्र में मुझे पूरा विश्वास है और क्षेत्र की जनता इस भ्रष्ट किसान विरोधी सरकार को बर्खास्त करने की पूरी पूरी मन बना चुकी है और इसका स्पष्ट निर्णय 24 तारीख को। सांसद सिंधिया ने यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री मुझसे आमने सामने आए और बताएं कि कोलार और मुंगावली के लिए आज तक उन्होंने क्या किया है और पूरे ग्वालियर संभाग में एक भी विकास की कील उन्होंने नहीं ठोकी है। तो एक तरीके से वो मान चुके हैं कि 14 साल में उन्होंने पूरे क्षेत्र में, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में एक भी विकास का कील नहीं ठोका है और ये वास्तविकता है। मेरे आमने सामने आ जाए, मेरे साथ बैठ जाए, मुझे बता दे कि कोलारस के लिए क्या किया है उन्होंने आज तक, मुंगावली के लिए क्या किया है आज तक। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के ऊपर तीखे तेवर में कहा कि उनको घोषणावीर की उपाधि तो मिल ही गई है, जहां जाते हैं घोषणाएं करके आ जाते हैं। अटेर चुनाव के दौरान 350 घोषणाएं, बांधवगढ़ चुनाव के दौरान 400 घोषणाएं एवं चित्रकूट के चुनाव में 3,000 करोड़ की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। सांसद सिंधिया ने कहा कि जिस मुख्यमंत्री के कथन पर जनता विश्वास न कर पाए उस मुख्यमंत्री के आश्वासन पर जनता क्या विश्वास करेगी। जिन्होंने कभी चेहरा नहीं दिखाया तो आज वह सारे मंत्री आप लोगों के घर घर घूम रहे हैं। घोषणाओं में न आपका विश्वास है न मैं मानता हूँ जनता का विश्वास है, क्योंकि घोषणावीर की उपाधि तो उनको मिल गई है। जहाँ जाते हैं घोषणा कर दें, अटेर में 350 घोषणाएं की, बांधवगढ़ के चुनाव में 400 घोषणाएं की, चित्रकूट के चुनाव में 3,000 करोड़ की घोषणाएं की और आप लोगों ने स्वयं देखा है कि उनकी आज तक 22,871 घोषणाएं अभी तक अमल नहीं हुई हैं। विभागवार तो जिस मुख्यमंत्री के कथन पर विश्वास जनता न कर पाए उस मुख्यमंत्री के आश्वासन पे जनता क्या विश्वास करेगी। जिन्होंने चेहरा यहां ना दिखाया 14 साल के लिए, आज वे सारे मंत्री आप लोगों के घर घर में घूम रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सांसद कमलनाथ ने भी यह कहा कि यह चुनाव सभी प्रदेशों को संदेश देगा। जो वातावरण मध्य प्रदेश में बना हुआ है कि आज जनता भारतीय जनता पार्टी की कलाकारी की, गुमराही की और आश्वासन की राजनीति से अच्छी तरह से परिचित हो चुकी है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश प्रदेश के इन दो उपचुनाव से गिनती के बाद प्रदेश में जाने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जो वातावरण बना हुआ है उससे हर वर्ग परेशान है। संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 4th दिन भी रही जारी। आज हड़ताल के दौरान इन संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने पकोड़े बनाने की प्रैक्टिस भी की। यहां एक महिला संविदा स्वास्थ्यकर्मी ने बताया कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि पकोड़े तलना भी एक रोजगार है, उसी के चलते आज इन संविदा कर्मियों ने पकोड़े बनाने की प्रैक्टिस की। वह बताया कि यदि इनका नियमितीकरण नहीं होता है तो भविष्य में वह पकोड़े ही बेच पाएंगे। साथ ही इन संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने आज गुना पहुंचे क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं छिंदवाड़ा सांसद कमलनाथ से मुलाकात कर उनसे कहा कि जो भी जनप्रतिनिधि इनके नियमितीकरण की मांग को उठाएगा इनका पूर्ण समर्थन उस जनप्रतिनिधि के साथ होगा। अरे
वो आपको सभी जगह परिलक्षित होगा। और ये हमारे शोषण की जो दास्तां दंश पिछले 20 साल से चल रहा है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको भारत देश से समाप्त किया। बिल्कुल, बहुत सही आपकी बात। धन्यवाद। आज हड़ताल का चौथा दिन है और आज हम लोगों को, जैसे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने बोला था कि पकौड़े तल के भी हम लोग कमाई कर सकते हैं, तो आज हम लोग पकौड़े तलकर लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जिस दिन हम संविदा की नौकरी से बाहर हो जाएंगे उस दिन हम लोग पकौड़े तल के खा सकते हैं कि नहीं, या बेच सकते हैं कि नहीं, ये इसकी प्रैक्टिस आज हम लोग कर रहे हैं। और आज हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी मुलाकात की है और कमलनाथ जी से भी मुलाकात की है और अपनी एक ही मांग कि हमारा नियमितीकरण हो, 20 साल से जो दंश हम लोग भोग रहे हैं उस दंश को खत्म करें, जो भी सरकार खत्म करेगी हम उसके साथ। स्थानीय पीजी कॉलेज में आज करियर अवसर मेले का आयोजन किया गया। इस करियर अवसर मेले में प्राइवेट सेक्टर की 10 कंपनियों ने भाग लिया, साथ ही जिले से भी कई संस्थाओं ने इस मेले में भाग लिया है। वहीं इस मेले का लाभ उठाने के लिए आज बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को पीजी कॉलेज प्रांगण में देखा गया। इस मेले का शुभारंभ आज गुना विधायक पन्नालाल शाह के कर कमलों से संपन्न हुआ, साथ ही यह मेला आज के साथ साथ कल भी जारी रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष जी तो प्रशासनिक व्यवस्था उसमें चले गए हैं, अपने प्राचार्य श्री तिवारी जी, हमारे अनुज अपने भाई दिनेश जी शर्मा, श्री श्रीवास्तव साहब। दो तीन भागों में है उस पुस्तक को, अगर हम पढ़ेंगे वो पुस्तक पढ़ने से हमको लगेगा कि वास्तव में हमने इस धरती पर जन्म क्यों लिया है, क्या केवल इसलिए कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा उषा कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सामने उनका मानदेय फिक्स करने की मांग उठाई है। इनका कहना है कि यह स्वास्थ्य विभाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर इन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है न कि मानदेय, जबकि जितना ये कार्य करते हैं उसके हिसाब से इनका मानदेय फिक्स होना चाहिए। हम मिलकर सारा काम करते हैं, सारा डाटा देते हैं आगे सभी अधिकारियां, जो आधी रात को भी अगर ये लोग कुछ मांगते हैं तो वो हम डाटा कलेक्ट करके इन लोगों को देते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रोत्साहन राशि के बेस पर देते हैं, हमें कुछ भी मानदेय फिक्स नहीं है। और हम आधी रात को भी ये लोग बुलाते हैं तो उसी समय डिलीवरी के साथ भी जाते हैं, वहाँ पर आते हैं, इन लोगों की जो भी इनकी फरमाइश रहती वो पूरी करके देते हैं। जिस समय ये लोग सर्वे करने का कहते हैं वो सर्वे इन्हें निश्चित काल पर दिया जाता है, लेकिन उसके लिए कोई भी मानदेय नहीं है। तो मैं शासन से चाहूँगी कि आशाओं और आशा सहयोगी का मानदेय फिक्स हो। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद गुना का 10वां राज्य सम्मेलन आज गुना टूरिस्ट लॉज में आयोजित हुआ। सम्मेलन में जिले भर से 45 लोगों को विभिन्न पदों पर चयनित किया गया, साथ ही उन्हें इनका प्रतिनिधित्व भी यहां दिया गया। इस सम्मेलन में जिले सहित प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया, साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ने आज हुए सम्मेलन के संबंध में पूर्ण जानकारी डिजियाना न्यूज को उपलब्ध कराई। दो चार साथियों को छोड़ के
बाकी को नहीं मालूम होगा, कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक पार्टी है तो इसकी एक लाइन होती विचारधारात्मक रणनीति भाषण करने में 2 मिनट आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद गुना का 10वां राज सम्मेलन आज यहाँ होने जा रहा है गुना टूरिस्ट लॉज में। इसमें पूरे जिले से लगभग 45 प्रतिनिधि शादी चुन करके आए हैं, अलग अलग ब्लॉकों से, अलग अलग संगठनों से, उन सबों को आज यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। और आज एक नए चुनाव के साथ में सेक्रेटरी का चुनाव होगा, पूरा सचिव मंडल का चुनाव होगा। इसमें मार्गदर्शन के लिए सचिव मंडल, प्रदेश के सचिव मंडल साथी जो सीनियर कॉमरेड्स हैं, कॉमरेड अजीत जैन साहब हमारे बीच में। आज का जिला सम्मेलन, जो जिला सम्मेलन है हमारे यहाँ, जिला सम्मेलन जो किसी एक मुद्दे को लेकर के जिला सम्मेलन किया जाता है, और आज का जिला सम्मेलन का जो पूरा फोकस किया गया है वो सबसे पहले तो देश के अंदर जो असामाजिकता और भ्रष्टाचार चल रहे हैं उसको लेकर के, और स्टूडेंटों की खास करके शिक्षा को लेकर के केंद्रित किया गया आज का जिला सम्मेलन। मंडल परीक्षा 2018 की गोपनीय परीक्षा सामग्री का वितरण आज केंद्राध्यक्षों को किया गया। यह सामग्री गुना केंद्राध्यक्षों को छोड़कर जिले भर के अन्य सभी केंद्राध्यक्षों को आज यहां से वितरित की गई, जिन्हें शासकीय वाहनों के जरिए केंद्रों तक पहुंचाया गया। मंडल परीक्षा 2018 की गोपनीय परीक्षा सामग्री के वितरण का कार्य चालू हुआ है। आज गुना ब्लॉक के अलावा शेष समस्त केंद्राध्यक्षों को परीक्षा सामग्री का वितरण किया जाएगा। इनके नियत रूट चार्ट तैयार किए गए हैं और उन्हीं के माध्यम से शासकीय वाहनों से इनको यथाशीघ्र रवाना किया जा रहा है। आरोन नगर में विद्यासागर पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर राजेश जैन उपस्थित रहे, जबकि विशेष रूप से आरोन तहसीलदार निर्मल सिंह राठौड़ मौजूद रहे, जिन्होंने समस्त उपस्थित जनों के साथ मिलकर विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों का आनंद लिया। साथ ही नन्हे नन्हे छात्र छात्राओं द्वारा सभी दर्शकों को आकर्षित करने वाली प्रस्तुतियां दी गई, जिनमें राष्ट्रभक्ति, गौहत्या, दहेज प्रथा, स्वच्छता अभियान आदि से संबंधित प्रस्तुतियां यहां दी गई। अंत में यहां सभी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र से सम्मानित भी किया गया। साथ ही यहाँ कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। जिले के म्याना में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को मिला प्रथम स्थान, किया गया प्रमाण पत्र से सम्मानित। म्याना के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को स्वच्छ विद्यालय के रूप में कलेक्टर राजेश जैन द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017 में प्रथम स्थान दिया गया है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य HN चाटव ने बताया कि इनका स्कूल स्वच्छता के हिसाब से प्रथम स्थान पर आया है, जिसके तहत कलेक्टर राजेश जैन द्वारा इन्हें प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट।
महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर वागीशनाथ में लगे मेले में सेवा में लगी सभी संस्थाओं, अधिकारियों व कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। इसमें चाचौड़ा पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग सहित अन्य समाज सेवी संस्थाएं जैसे नामदेव नवयुवक मंडल, पोहा समिति, वैरागी परिवार आदि जिन्होंने मेले में अपनी सेवाएं दी, उन सभी को स्मृति चिन्ह देकर उनके काम की सराहना की गई एवं इनका सम्मान किया गया। इस मौके पर चाचौड़ा रॉयल क्रिकेट क्लब के सदस्य भी यहाँ उपस्थित रहे। चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट।